एक बार किसी सब्जी में नमक डालना भूल गए, फिर मुंह की थाली गई, फिर बाबा मुस्कुराए, बाबा ने थाली पकड़ी नहीं। बाबा ने कहा बच्चे जाकर चखो और देखो गलती कहाँ हुई है। फिर से थाली वापस आए, फिर भंडारी के पास पहुंचे कि बाबा ने आज भोग ले लिया, बोला कुछ तो गलती है चखो पहले से। तो जो निमित्त आत्मा की उसने चखा तो एक सब्जी में नमक नहीं था, तो उसकी निगरानी में बना या नहीं बना। नमक डालना भूल गए, बच्चों को नहीं पता पर उसको पता है। अब ऐसा नहीं कि बाबा को कोई लो या हाई दीदी है कि उसे नमक पता या बिना नमक पता ही सही है, ऐसी बात नहीं है। परंतु बाबा ब्रह्मा भोजन का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बाबा कहते थे बच्चे ये दुख भंजन भोजन है, अगर इसे तुम प्रेम से श्रद्धा से भाव से खाओगे तो ये तुम्हारे पता नहीं कितने दुखों को कितने कष्टों को हर लेगा, तुम्हारे कड़े संस्कारों को खत्म कर देगा, मन की बीमारियों को नष्ट कर देगा, इंजेक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, इसमें शिव की डायरेक्ट शक्ति भर के आती है। परंतु कंडीशन तुम्हारा भाव कैसा है उसको स्वीकार कर लेगा।